हाफ़िज़ राना बिलाल अहमद साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल कहार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, पहाड़ों से गिरकर भी कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। हजरत ग्रामीय कदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर पहलू पे मोहित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल साबता हयात है। सोचता हूं आप अलैहि वसल्लतु वसलाम की जिंदगी के कौन से बाप को अपने सामने रखूं। जब अल्लाह की किताब कुरान मजीद को देखता हूं तो पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक हर एक पारा 114 सूरतों में से हर एक सूरत, एक एक रुकू, एक एक आयत और हर आयत के एक एक लफ्ज और एक एक हरफ में अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा और रब्बुल इज्जत की जबान से निकलने वाले बोल भी कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी वश्शम्सि वज़ुहाहा, कभी वल्लैलि इज़ा यक्षा और कभी ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद और कभी वहाज़ल बलदिल अमीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को वाज़े कर रहे हैं। सोचता हूं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को किस तरह अल्फाज में पेश करूं। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदाकत में भी आला, अदालत में भी आला, सखावत में भी आला, शुजात में भी आला, अमानत में भी आला, दयानत में भी आला, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी फजर भी आला, जिनकी जोहर भी आला, जिनकी असर भी आला, जिनकी मगरिब भी आला, जिनकी इशा भी आला, आपके कौल को देखूं, आपके बोल को देखूं, आपकी गुफ्तार को देखूं, आपके करदार को देखूं, जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा बाकमाल है कि जिसको लफ्जों में नहीं डाला जा सकता। हकीकत के अंदर अजमत मुस्तफा वही जानता है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा। इसीलिए शायर ने कहा व अहसनु मिनका लम तर कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसा, आपसे हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं, आपसे प्यारा दुनिया में किसी माँ ने जने ही नहीं है। आपको तो ऐसे पैदा किया गया जैसे आपकी मर्जी के मुताबिक आपको हुसन से नवाज दिया गया हो। हमारा नबी वो है जो हुसन में भी आला, सूरत में भी आला, किरदार में भी आला, जिस जिस जाविये से देखता हूं, जिस जिस पहलू से देखता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकमाल नजर आते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये बात सच्ची नजर आती है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो हजराते ग्रामी कदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बड़े पैगाम मिलते हैं। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सिर्फ एक पैगाम जो मेरे और आपके नाम होगा, आके हम उस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारें। अगर हम उस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारी दुनिया कामयाब हो जाएगी, और फिर भी बाहरों की तो फिर क्या ही बात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो पैगाम है जो मेरे और आपके नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी का पैगाम। आज मुआशरे का बिगाड़ का सबब एक ये भी है कि लोग जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को मर्तबा अता कर देता है, किसी को कोई ओहदा और मनसब अता कर देता है, तो अक्सर औकात ये होता है अपना लहजा बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, गुफ्तगू बदल जाती है, हम अपनी इन चीजों को बदल डालते हैं। हम समझते हैं शायद कि हम किसी और दुनिया से आए हैं,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर मुताला करें, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शान में ज्यादा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजजी का पैगाम दिया। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, सुनन इब्ने माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु वुलिद आदम वला फखर, और लोगों में पूरी की पूरी आदमियत का सरदार हूं, वला फखर, लेकिन इस बात में मुझे कोई फखर नहीं है। वो अव्वल मन तुनशकुल अर्ज अनहु यौम अल कियामा, एक वक्त आएगा जमीन और आसमान सब के सब मिट जाएंगे, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा, व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की जात होगी, जब कब्रों से निकाला जाएगा तो सबसे पहले मैं मोहम्मद को निकाला जाएगा, वला फखरा, लेकिन मैं फखर नहीं करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं फखर नहीं करता। मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाना अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता यौमल कियामा, कयामत का दिन होगा जिसको सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मैं मोहम्मद हूंगा। वला फखरा, ओए लोगों में इस बात पे भी फखर नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना काइदुल मुरसलीन, जितने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया इस दुनिया में मबऊस किए, मैं सारे के सारे नबियों का इमाम हूं, वला फखरा, लेकिन इस बात पे भी फखर नहीं है। वाना खातमुन नबीयीना वला फखरा, वो लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, मैं तो इस बात पे भी फखर नहीं करता। वलिवाउल हमदी बियदी यौमल कियामा, हमद का झंडा रोजे कियामत मेरे हाथ में होगा, वला फखरा, इस बात पे भी फखर नहीं है। वाना अव्वलु शाफई, क़यामत का दिन होगा लोग सिफारिश के लिए कभी आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कभी हजरत मूसा के पास जाएंगे, कभी ईसा के पास, दीगर अंबिया के पास जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह हिसाबो किताब शुरू करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिफारिश का आजाज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए रखा है, वला फखरा, लेकिन इस बात पर भी मुझे कोई फखर नहीं है। इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी को शान अता की, इसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं कोई फखर नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अंदाज ऐसा होता था महफिल के अंदर कि अल्लाह के नबी बैठे होते अलग से कोई इम्तियाज नहीं करते थे कि पता चले कि कोई बड़ी शख्सियत बैठी है, हालांकि कोई आने वाला आता पहचान नहीं सकता था कि इनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, सही बुखारी की रवायत है, بينما جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान मस्जिद के अंदर बैठे हैं, اذا دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد, एक शख्स आता है ऊंट पे सवार है, فاناخه في المسجد, ऊंट को मस्जिद में ऊंट को बिठाता है, ثم اقاله, फिर उसको बांध देता है और आकर कहता है ايكم محمد, तुम में से मोहम्मद कौन है, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की अजमत पर कि जिसके बैठने का अंदाज ऐसी आजी और इंकिसारी पे मबनी हो, मैं उसको अल्फाज में किस तरह पेश कर दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी तो ऐसी थी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इन्ना रजुलन अव इमरतन अस्वद, एक स्याह रंग का आदमी था या औरत थी, काना यकुमु फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर सफाई किया करते थे, फमाता, फोत हो जाता है, सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के आराम का सोचते हुए उसको दफना देते हैं। जब अल्लाह के नबी को पता चलता है तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि अफला अज़न्तुमूनी बिही, ओ तुमने मुझे उसके बारे में खबर क्यों नहीं दी, दल्लूनी अला कब्रिही, मुझे उसकी कब्र पे ले जाया जाए, फअता कब्रहु फसल्ला अलैह, अल्लाह के नबी उसकी कब्र पे गए और उसके लिए जाकर अल्लाह के नबी ने दुआ की, यह है मेरे नबी की आजजी। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, सही बुखारी की रवायत है, काना गुलामुन यहूदीयुन, यहूदी बच्चा था, यहूदी बच्चा था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, फमारीजा, बीमार हो जाता है, यहूदी बच्चा है बीमार हो गया है, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर उसके घर में जाते हैं, उसके घर में जाते हैं उसकी तैमारदारी के लिए। जरा गौर कीजिए, कायनात के इमाम हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, लेकिन आजजी देखिए, और हम अपना भी साथ में तज़किया करते जाएं, मुहासबा करते जाएं कि हम कितना किसी की तिमारदारी के लिए जाते हैं।
हम तो सिर्फ मुंह रखने के लिए जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर में जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठते हैं और अल्लाह के नबी उससे कहते हैं कि बेटा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत दे दी कि बेटा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बच्चा यहूदी था, अपने बाप की तरफ निगाहें उठा के देखता है, अपने बाप की तरफ देखता है, था तो यहूदी, तो उसका बाप कहता है अति अबिल कासिम कि बेटा इनकी बात मान लो, बेटा इनकी बात मान लो। ये बच्चा अपनी जबान से ये कलिमात जारी करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर से ये अपने जबान से ये कलिमात जारी करता है, उधर से पैगामे अजल आन पहुंचता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और अल्लाह के नबी अपनी जबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकज़ाहु मिनन नार, के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने एक पल में इस बच्चे को जहन्नम के अंगारों से बचा कर जन्नती शहजादा बना दिया है। ये मेरे नबी की आजिज़ी थी, मेरे नबी ने इस तरह आजिज़ी का पैगाम दिया है। तो हमारे और आपके नाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है वो यही है कि हमारी जबान पे अना का नाम नहीं आना चाहिए। हम अब अना के बुतों को तोड़े, अना का बोल फिरौन ने बोला था अना रब्बुकुमुल आला फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूनु लिमन खल्फका आया, हमेशा के लिए दुद्कार दिया गया, यही अना का बोल कारून ने बोला था। इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मुझे बड़ा इल्म दिया गया है, फखसफना बिही वबदारिल अर्ज, हमेशा के लिए दुद्कार दिया गया, यही अना का बोल शैतान फिरौन लाइन ने बोला था। अना रब्बुकुमुल आला अना खैरु मिन्हु खलक्तनी मिन नार, मैं बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया है, तो हमेशा के लिए दुद्कार दिया गया। तो मेरे और आपके नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो आज का पैगाम है वो ये है कि हम समझें कि हमारा जो भाई है हमसे बेहतर है, हमारा भाई हमसे बेहतर है। मुमकिन है वो शब्बे बेदारी में हमसे ज्यादा हो, मुमकिन है कि वो अल्लाह के तकर्रुब में हमसे ज्यादा हो, मुमकिन है वो अल्लाह के हमसे ज्यादा वो अल्लाह के करीब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनकर समझकर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।